बजट सत्र के 14वें दिन जो है कई चीज़ों पर चर्चाएं हुई। बजट कटौती पर चर्चाएं की गई, बिजली का मुद्दा उठा, तमाम नियोजन को लेकर मुद्दाएं उठी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो है ये बेरोजगारी की भत्ता जो देने वाली बात थी 5000 सालाना नवयुवकों को उसको लेकर क्या कुछ जो है कहा है सत्ता पक्ष के मंत्री ने, वहीं विपक्ष ने किस तरीके से पूछा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बेरोजगारों को जो है जो तैयारी करते हैं छात्र उसको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है, क्या कुछ कहा है मंत्री विधायक ने, या कुछ देखिए। अच्छा, कैसे देखते हैं ये सब तमाम चीज़ें जो सदन में हो रही हैं? ये सदन में बेफजूल ये सब ये कर रहा है, बाधित कर रहा है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। स्थानीय जो मुद्दा है आप जैसे निजी क्षेत्र में जो देने के लिए उसमें भी जो है स्पष्ट नहीं हुआ, प्रवर समिति में भेजने की बात कह रहे हैं। अरे जब हर चीज़ हर मानक ठीक है तो उसमें कहे भेजेगा, सारा चीज़ जब अगर कोई सुनेगा तब ना, तो आप सुनने का समय ही निकल जाएगा, खाली बात को उठा देने से तो नहीं होगा ना। कैसे सही है थोड़ा सा स्पष्ट? हाँ, थोड़ा सा आप खाली मन हो गया, बोल दिया, हल्ला कर दे, निकल गया। विपक्ष मुख्यमंत्री से जवाब चाह रहे हैं विपक्ष, क्या वो जवाब देगा? इतना हड़बड़ी का क्या है? वो कह रहे हैं अंतिम दिन देंगे तो उसका तो हम लोग काउंटर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आप देखिए वो उनका है सदन का नेता, कब बोलेगा नहीं बोलेगा है ना, वो हम लोग कैसे चले को देने वाला बेरोजगारी भत्ता साफ होगा। अरे पहले से ज़्यादा दे रहा है अभी। देखिए तकनीकी जो कमी है वो समय समय पर ठीक होते रहता है, और हमने खुद भी कहा है कि ट्रांसफार्मर का पावर बढ़ना चाहिए, 10 और 16 का कोई उपयोग नहीं रह गया है, बेकार हो गया है, और वो बनता भी नहीं है, रिपेयर भी नहीं हो पाता, रिपेयर होने पर एक दिन में नहीं चलता है, इसलिए उसको करके अपग्रेड करना चाहिए, ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करना चाहिए। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष तो हमेशा ये कहता रहा है, विरोध केवल विरोध के लिए करता है विपक्ष, पूरा राज अंधेरा में है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिजली की स्थिति में सुधार हुई है और लगातार सुधार हो रहा है। कल काफ़ी नाराज थे आप, वादे पूरे? नहीं, हमने पहले भी कहा है कि जहाँ क्षेत्र का मामला होगा वहाँ हम किसी हद तक जाएंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि क्षेत्र का अगर हमारा कल्याण नहीं होगा तो फिर हम किस लिए हैं यहाँ। क्षेत्र का मुद्दा जब भी होगा मजबूती से उठेगा और सरकार को उसको करना पड़ेगा। तो उन लोग पास कुछ है नहीं, जनता जुड़ा हुआ तो कुर्ता में फाड़ेंगे, कभी मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, कभी रामनवमी की बात करेंगे, डिबेट होता है, लेबर का बात करते हैं सब, उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के, तो सब राजनीति में चलता रहता है। एक जनप्रतिनिधि का इस तरह से कुर्ता फाड़ना ठीक है? कहीं सोचित नहीं। बार बार ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं विपक्ष की, बिजली ट्रांसफार्मर तो घरे घरे रखा हुआ है, लोग उपयोग करे तब लग क्यों नहीं रहा है? लगा हुआ हर जगह, हम लोग लगा रहे हैं। सर एक सरकार में बोल रहे थे 5 मिनट में लग जा रहा था, 5 मिनट में हम लोग लगाते रहे अभी।